महोदय, मुझे जानकर प्रसन्नता हुई है कि आप में से कुछ लोग अपने ग्राहकों और जनता से संपर्क के लिए हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग कर रहे हैं। मैं समझती हूँ कि भाषा की समस्या के बारे में कोई रचनात्मक दृष्टिकोण विकसित करने की आवश्यकता है, क्योंकि इसे लेकर देश में उपभावनाएं पाई जाती हैं। मैं आपको आश्वस्त करना चाहूँगी कि सरकार का ऐसा कोई पहले से निश्चित इरादा नहीं है कि एक राष्ट्रीयकृत बैंक को दूसरे में मिला दिया जाए। किसी बैंक के प्रबंध को जो जाने माने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए यथाशक्ति सब कुछ कर रहा है, बदल दिया जाए। अगर कहीं कामकाज के अनुभव के बाद बैंक के ढांचे में परिवर्तन जरूरी प्रतीत हुआ तो वैसा विचार विमर्श और सामंजस्य के साथ किया जाएगा। राष्ट्रीयकरण के बाद कुछ गैर जानकर क्षेत्रों में जो गलतफहमियां पैदा हो गई थीं वे अब दूर होती जा रही हैं। मुझे आशा है कि शीघ्र ही वे पूरी तरह समाप्त हो जाएंगी, लेकिन राष्ट्रीयकृत बैंकों, रिजर्व बैंक और केंद्र सरकार को जिस कसौटी पर देश के सम्मुख खड़ा उतरना होगा वह है उनके द्वारा सामाजिक और आर्थिक न्याय को सुनिश्चित बनाने के लिए किए गए प्रयास की सच्चाई और गहराई। शायद ही मुझे कहने की आवश्यकता हो कि हम दोनों का संयुक्त प्रयास यह है कि बैंकरों को समाज के लिए एक विशेष वर्ग का नहीं बल्कि संपूर्ण समाज का मित्र और परामर्शदाता स्वीकार किया जाए। मुझे आशा है कि आपकी बैठक से हमारे कुछ निर्णयों और योजनाओं को तेजी से पूरा करने में सहायता मिलेगी और हम इस काम में यथेष्ट गति से आगे बढ़ सकेंगे। आपसे मिलने के इस अवसर को पाकर मुझे खुशी हुई है। कुछ दिन पहले मेरी उपयोगी मुलाकात राष्ट्रीयकृत बैंकों के अभिभावकों से हुई थी, जिसकी चर्चा आपके प्रधान ने की है, और ये अभिभावक सरकार और रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित आय नीतियों से संबद्ध निर्देशों को, ऋण संबंधी विशिष्ट कार्यक्रमों को रूप देंगे, लेकिन उन्हें लागू करना बैंकों के प्रबंधकों का काम है। हमारी ऋण नीति को नए रूप में कार्यान्वित करने की जिम्मेदारी उन्हीं पर है। मैं प्रकट करती हूँ कि उन्होंने निजी बैंकिंग से राष्ट्रीयकृत बैंकिंग में परिवर्तन को सरल बनाया है। मैं जानती हूँ कि कर्मचारियों में बहुत उत्साह है और अधिकारियों ने भी राष्ट्रीयकरण का स्वागत किया है। मैं समझता हूँ कि अगर आप इस प्रश्न पर इस दृष्टिकोण से विचार करेंगे तो आप देखेंगे कि उपयुक्त
हर एक शक्तिशाली देश की वैदेशिक नीति बुरी तरह से असफल रही है।